हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी सेफ एंड स्टे एट होम। नाउ टूडेज मॉरल इज एम्बिशन इज द पाथ ऑफ सक्सेस। दिस मीन्स एम्बिशन क्या है, इच्छा क्या है, सफलता का मार्ग है। ओके, जब आप कोई वर्क करते हो तो आपके मन में कोई ना कोई एम्बिशन होती है। वो एम्बिशन क्या आपको रास्ता दिखाता है, आपको आपको वर्क करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप सक्सेस होते हो। ओके, बिना एम्बिशन के कोई वर्क नहीं किया जा सकता। आप जब भी आप आज जो वर्क कर रहे हो, आपका कोई ना एक एम्बिशन है कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिले, मैं प्रोग्रेस करूं। ओके, तो आगे जाके प्रोग्रेस करके आपका जो एम होगा वो अचीव करोगे, तो क्या होगा, एम्बिशन आपका पाथ हो गया, मार्ग हो गया, रास्ता हो गया, जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। ओके, नाउ टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। द चैप्टर्स नेम इज सब्ट्रैक्शन। ओके, आई टॉट यू एक्सरसाइज 3.3, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड एक्सरसाइज 3.2, दिस इज टू डिजिट सब्ट्रैक्शन, एंड एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन विथ प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन विथ बारो। ओके, बारो के साथ हम थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन करेंगे। नाउ लुक हियर, सब्ट्रैक्ट बारो इफ नीडेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 656, इसमें क्या है, सिक्स आपका वंस है, फाइव टेंस है और 600 है। इसमें आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 444। ओके, फोर वंस, फोर टेंस एंड 400। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि जब हम ऊपर का नंबर, जब आपका लेस होता है कोई डिजिट, तब हम बारो लेते हैं, तब हम बारो लेते हैं और बारो लेकर के सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब हम 656 में 444 का सब्ट्रैक्ट करेंगे। 656 में 444 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लुक हियर, सिक्स इज ग्रेटर देन फोर, इसलिए हमें बारह लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिक्स में से फोर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टू। ओके, नाउ फाइव इज ग्रेटर देन फोर, फाइव भी फोर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फाइव में से फोर माइनस करेंगे, वन। नाउ सिक्स इज ग्रेटर देन फोर, सिक्स में से फोर माइनस करेंगे, टू। ओके, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा ऊपर का नंबर क्या होता है, बिगर होता है, और नीचे का नंबर क्या होता है, आपका स्मॉलर होता है। ओके, अगर आपका ऊपर का नंबर बिगर नहीं है, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें भी आपको बोरो नहीं लेना है। देखिए फाइव में से थ्री माइनस कर देंगे, नाइन में से टू और थ्री में से वन। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह से है। नाउ नेक्स्ट, फोर में से थ्री आप माइनस कर सकते हो, वन हो जाएगा, नाइन में से सेवन माइनस कर सकते हो, सिक्स में से टू, इट इज़ वेरी इजी। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ पर हमें बारो लेना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बारो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए 263 में से 146 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम, आप जानते हैं 266 इज ग्रेटर देन 146। ओके, ग्रेटर लेस हम कैसे देखते हैं, हम हंड्रेड की पोजीशन को देखते हैं। हंड्रेड का पोजीशन देखिए, टू क्या है, टू एंड वन में से कौन सा बड़ा है, टू है ना, तो दिस इज मैक्सिमम नंबर एंड दिस इज मिनिमम नंबर। ओके, तो अब हम वंस में से हमेशा वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम थ्री में से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट थ्री इज लेस देन सिक्स। थ्री क्या है, सिक्स से कम है, तो आप थ्री में से सिक्स को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेबर से, दिस मीन्स टेंस से, वंस का नेबर्स कौन है, टेंस है, टेंस से हम वन बोरो लेंगे, वन बोरो लेंगे, तब हम सिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब थ्री जो है सिक्स से वन बोरो लेगा, दिस मीन्स ये टेंस है, तो यहाँ पर अगर वन बोरो ये देता है तो इसके पास वन टेन, वन टेन हो जाएगा एंड थ्री वंस, देयर इज थर्टीन। ओके, अब हम थर्टीन में से सिक्स को माइनस करेंगे, हियर विल बिकम क्या हो जाएगा, ये वन लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फाइव।
ओके, अब हम 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 13 में से 6 माइनस करिए 7, ना 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ओके, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, सो आंसर इज 117, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इसी तरह से इसमें भी हम 6 इज लेस देन 8, 6 क्या है 8 से छोटा है तो हम 4 से 1 बोरो लेंगे, ओके। तो हम 1 बोरो लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3, 3, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 से 1 बोरो हम लेंगे, यहाँ पर यहाँ हमारा हो जाएगा 16 एंड 16 में से हम 8 माइनस करेंगे, अब हम यहाँ क्या हो जाएगा 3, हियर विल बिकम 3, ओके। 1 लेस हो गया, 3 हो गया आपका, अब 3 देखिए 3 से 5 माइनस नहीं होगा, ओके, 3 से 5 माइनस नहीं होगा आप जानते हो, तो ये क्या करेगा, ये 100 से 1 बार लेगा, ओके। जब यहाँ पर 1 बार हो देगा तो यहाँ पर फिर ये 1 यहाँ पर राइट कर देंगे हम, ओके। ये टेंस था और हमने जब टेंस के टेंस से 100 से 1 बोरो लिया तो यहाँ पर देखिए ये टेंस है और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 100 पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। 13, नाउ हियर विल बिकम 3, 3 में से हम 2 माइनस करेंगे, अब यहाँ पे हम 13, ओके, यहाँ 16 से हम माइनस करेंगे, इसको कट कर देंगे, 16 से 8 माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे और 3 में से 2 माइनस करेंगे, ओके। अब 16 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा यहाँ 8 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे, इसको कट कर देंगे हम, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ओके, 188। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट देखिए, वन 451 में 273 में माइनस करना, वन से हमें थ्री माइनस करना, वन इज लेस देन थ्री तो हम वी टेक वन बारो फ्रॉम फाइव, देन हियर विल बिकम 11 एंड हियर वन लेस, हियर विल बिकम 4, ओके, बट 4 इज लेस देन 7, 4 क्या है 7 से कम है, तो अगेन वी टेक बारो फ्रॉम 4, तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 एंड हियर विल बिकम 3, ओके। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम 11 में से 3 माइनस करेंगे, हियर विल बिकम 8 एंड 14, 14 में से हम 7 माइनस करें, हियर विल बिकम 7 एंड 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ओके, सो योर आंसर इज 178। इस तरह से हम 3 डिजिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 764, ओके, 764 से हमें 596 को माइनस करना है, 764 को 596 में हम माइनस करते हैं, 764 को 596, ओके। अब हम वंस, आप जानते हो हमेशा हम वंस से वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 6, तो वी टेक बोरो फ्रॉम 6, हम टेक बोरो लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14, ओके, 110 इसके पास आ जाएगा 14 एंड हियर विल बिकम 5, ओके। अब 14 में से आप 6 माइनस करिए, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, ओके, एंड 5,
फाइव। अब फाइव में से नाइन माइनस नहीं हो सकता, फाइव इज़ लेस देन नाइन। ओके, तो हम क्या करें, अगेन वील टेक बोरो फ्रॉम सेवन, हम सेवन से अब बोरो लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ईयर विल बिकम सिक्स। ओके, अब फिफ्टीन में से हम नाइन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर। एंड सिक्स में से फाइव माइनस करिए, वन, 148। इस तरह से आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस हमें ध्यान क्या देना है कि हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें जब हम हमें कहाँ पर बारो लेना है, जब हम बारो लेंगे तो वहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा और हम किस सबट्रैक्ट करेंगे तब। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह के मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको दूंगी, उसे आप अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व करेंगी। ओके, नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 3.4, दिस एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देयर वेयर 358 एप्पल्स ऑन ए ट्री। एक पेड़ में कितने एप्पल्स हैं, 358 एप्पल्स। ओके, देयर वॉज ए स्टॉर्म एंड 146 एप्पल्स फेल ऑन द ग्राउंड। एक आंधी आती है और उसमें क्या होते हैं, 146 एप्पल्स क्या होते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं, ग्राउंड पे। हाउ मेनी एप्पल्स आर स्टिल देयर ऑन द ट्री। तो ट्री पर कितने एप्पल्स बचते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ये जो देखिए ट्री है, ये देखिए एप्पल्स की ट्री है, इसमें कितने एप्पल्स हैं, 358 एप्पल्स हैं। उसमें से 146 एप्पल्स क्या हो गए, गिर गए, आंधी आई यहाँ पर ग्राउंड पर बिखर गए। ओके, अब आपको बताना है कि जो ट्री पर एप्पल्स बचे हैं उनको काउंट करके आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, जो टोटल्स एप्पल्स हैं ट्री में, ट्री में जो टोटल्स एप्पल्स थे पहले, उसमें से जितने नीचे गिर गए उनको क्या करोगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। तब आपको पता चल जाएगा, जब उतने एप्पल्स को हटा दोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस ट्री पर कितने एप्पल्स हैं। ओके, सो फर्स्टली आप राइट करोगे क्या, फर्स्टली देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि पहले ट्री पे कितने एप्पल्स थे, तो आप यहाँ पर राइट करोगे नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए ट्री। ओके, नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन ए ट्री। ओके, कितने एप्पल्स हैं, 358। नाउ 146 एप्पल्स फेल ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फेल ऑन द ग्राउंड इक्वल टू 146 एप्पल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर स्टिल देयर ऑन द ट्री। ओके, सो नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन ए ट्री आफ्टर स्टॉर्म। ओके, स्टॉर्म के आने के बाद कितने एप्पल्स ट्री पर बच गए, तो आप यहाँ पर राइट करोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप एप्पल्स लेफ्ट एप्पल्स लेफ्ट, कितने एप्पल्स बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, 358 में से 146 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4, 3 में से 1। ओके, इट इज़ वेरी इजी, इसको आप, इसमें सब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पता चले कितने एप्पल्स ट्री पर बच गए। नाउ सेकेंड, ए फील्ड हैड सम ट्रीज इन इट, 118 न्यू ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन द ग्रीन डे, द फील्ड देन हैड 231 ट्रीज इन ऑल, हाउ मेनी ट्रीज वेयर देयर बिफोर प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ए फील्ड हैड सम ट्रीज इन इट, एक फील्ड में कितने ट्रीज थे, कुछ ट्रीज थे, उसमें बताया नहीं गया कितने ट्रीज हैं। इसमें क्या गया, एक फील्ड थी जिसमें कुछ ट्री थे, कुछ पेड़ थे।
118 न्यू ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन दी ग्रीन डे, ग्रीन डे के दिन उसमें 118 न्यू ट्रीज नए पेड़ प्लांट किए गए। ओके द फील्ड देन हैड 231 ट्रीज इन ऑल। तो इन जो नए प्लांट और जो पुराने प्लांट थे, पुराने कितने थे आपको नहीं बताया गया है, और जो न्यू प्लांट थे वो 118 थे। इन दोनों को मिलाकर के टोटल ट्रीज कितने हो गए थे, 231 ट्रीज इन ऑल। हाउ मैनी ट्रीज वेयर देयर बिफोर प्लांटिंग न्यू ट्री। तो आपको बताना है कि बिफोर प्लांटिंग, बिफोर प्लांटिंग मैंने प्लांट करने से पहले उस पेड़ में सॉरी उस फील्ड में कितने ट्रीज थे, यानी आपको जो पुराने ट्रीज थे उनको काउंट करके बताना है। तो आप समझिए पहले कि आप पुराने ट्रीज जितने थे, पुराने ट्रीज कुछ थे ओके, उसमें से न्यू ट्रीज जो न्यू प्लांट थे वो उसमें प्लांट किए गए फील्ड में ओके, न्यू ट्रीज लगाए गए, तो दोनों को मिला के कितने ट्रीज हो गए, 231 ओके। 118 ये आपको मालूम है और ये आपको मालूम नहीं है ओके। 118 आपको मालूम है न्यू प्लांट लगाए गए, टोटल मिलाकर के इसको 231 हो गए। तो जो टोटल ट्रीज थे उसमें से जब आप न्यू प्लांट जो आप लगाए गए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा, मिस इस पेड़ में से इस पेड़ को माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा आपके पास जो पुराने ट्रीज थे कितने थे ओके। नाउ वी विल बी राइट हियर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यू प्लांट ओके, नंबर ऑफ न्यू प्लांट इक्वल टू 118, दे फील देम एट 231 ट्री टोटल ट्रीज, टोटल ट्रीज आपका कितना है 231 ओके। न्यू प्लान यहाँ पर ट्रीज राइट कर देंगे ओके, न्यू ट्रीज नंबर ऑफ न्यू ट्रीज, वरना प्लांट और ट्रीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर ऑफ न्यू ट्रीज, नंबर ऑफ न्यू ट्रीज एंड टोटल ट्रीज 231। तो आपको क्या निकालना है कि हाउ मेनी ट्रीज वेयर देयर बिफोर प्लांटिंग न्यू ट्रीज ओके, नंबर ऑफ ट्रीज बिफोर प्लांटिंग इक्वल टू हम क्या कर देंगे, टोटल ट्रीज में से न्यू ट्रीज को माइनस कर देंगे, 231 में से हम 118 को माइनस कर देंगे ओके। तो अब 1 इज लेस देन 8, देन वी टेक बारो फ्रॉम 3, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 एंड 2, हियर विल बिकम 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 113 ट्रीज क्या हैं आपके पुराने ट्रीज थे, 113 कितने ट्रीज थे पुराने ट्रीज थे। अब आप देखिए 113 ये ओल्ड ट्रीज एंड न्यू ट्रीज को जब ऐड करोगे तो आपका इतना ही आएगा, अगर इतना नहीं आता है तो इस मीन्स आपके आंसर क्या है रॉन्ग है। देखिए चेक करते हैं हम 118 और 113 को ऐड करते हैं, 8 प्लस 3 11, 1 हो गया, देखिए यहाँ 1 है, 1 कैरी देन 1 2 और 1 कैरी जो था आपका 3 देन 1 2 2, देखिए 231, सो इट इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 942 स्टूडेंट्स स्टडी इन ए स्कूल, इफ 568 ऑफ देम आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स स्टडी इन दैट स्कूल। अगर 942 स्टूडेंट्स स्टडी इन स्कूल, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट स्टडी करते हैं, 942, इफ 560 ऑफ देम आर बॉयज, उसमें से 568 क्या हैं बॉयज़ हैं, देन हाउ मेनी गर्ल्स स्टडी इन दैट स्कूल, तो कितने गर्ल्स स्टडी करते हैं।
तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें से बॉयज़ का पता है, गर्ल्स का निकालना है आपको। तो आप सपोज़ कर लीजिए जैसे आपकी क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर आपके पास 18 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 18 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, या आप 36 में से 18 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चलेगा गर्ल्स कितनी होंगी। इसी तरह से इसको करना है। अब आप समझ गए होगे, इसको आप खुद करोगे। ओके, सबसे पहले क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ बॉयज, देन आफ्टर दैट नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, ओके यहाँ पर राइट कर लेंगे, देन नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं वो यहाँ राइट करेंगे आप, देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आप यहाँ पर गर्ल्स निकालेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्रूट सेलर स्टार्टेड द डे विथ 364 मैंगोज, इफ ही सोल्ड 287 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज वेयर लेफ्ट विथ हिम एट द एंड ऑफ द डे। ओके, ए फ्रूट सेलर मीन्स फल बेचने वाला जो है क्या करता है, 364 मैंगोज से स्टार्ट करता है बेचना। दिस मीन्स उसके पास 364 मैंगोज हैं, तो उसने ही सोल्ड, उसने बेच दिया कितने मैंगोज, 287 मैंगोज उसने सेल कर दिए। ओके, उसने पूरे दिन में 287 मैंगोज बेच दिया। हाउ मैनी मैंगोज वेयर लेफ्ट विथ हीम एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके पास कितने मैंगोज बच गए अंत में, मतलब दिन के अंत में उसके पास, मतलब पूरे दिन बेचने के बाद उसके पास कितने मैंगोज बचे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, इसको समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। टोटल मैंगोज में से उसने जितने सेल कर दिए वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितने मैंगोज बचे। सो यू विल बी राइट हियर नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल मैंगोज, नंबर ऑफ टोटल मैंगोज इक्वल टू, यहाँ राइट करेंगे आप, फिर ही सोल्ड 287 मैंगोज, सोल्ड मैंगोज इक्वल टू कितने हैं, 287 यहाँ राइट करोगे, देन हाउ मेनी मैंगोज आर वेयर लेफ्ट विथ हिम एट द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंगोज यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट मैंगोज इक्वल टू, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सानू डेकोरेट हिज बरामदा विथ 212 कैंडल्स, सानू ने अपने बरामदे को कितने कैंडल से डेकोरेट किया, 212 से। ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज ब्लू ऑफ 109 कैंडल्स, हाउ मेनी कैंडल्स वेयर स्टिल लेफ्ट बर्निंग, कैंडल्स। ओके, एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज मतलब एक तेज हवा का झोंका आता है जो क्या करता है, 109 कैंडल्स को ऑफ कर देता है, उसको बुझा देता है उसको। ओके, हाउ मेनी कैंडल्स वेयर स्टिल लेफ्ट बर्निंग, तो कितने कैंडल बच गए हैं जो जल रहे हैं। ओके, चलते हुए कितने कैंडल्स बच गए हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले टोटल कितने कैंडल्स है, 212 कैंडल्स थे। ओके, उसने बरामदे में कितने डेकोरेट किए थे, 212, तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ कैंडल्स इक्वल टू 212। ओके, नाउ ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज ब्लू ऑफ 109 कैंडल्स, ब्लू ऑफ